बूढ़ी माई ये मंदिर काफी दूर दूर तक प्रचलित है, आखिर क्यों? भगवती का आगम अपार कृपा है, जो भगवती से मांगते हैं उनको भगवती पूरा करती है। ये मंदिर कब और कैसे बना, कैसे स्थापित हुआ, इसका कोई इतिहास है? अब बहुत ही इतिहास है इसका। कि आपका मन्नत पूरा हुआ है क्या? जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माँ बृदम्बा बूढ़ी माई मंदिर ईश्वरपुर, जिसको हम इस्माइलपुर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर स्थित है हरौली में। और साथियों, मैं हूँ कुंदन चौरसिया और आप देख रहे हैं रीवा टीवी। आइए इस मंदिर में चल करके आज हम इस मंदिर के महिमा के बारे में जानेंगे, क्यों ये मंदिर फेमस है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही आखिर क्यों इस मंदिर पे इतना लोग मन्नत मांगने आते हैं, मन्नत उतारने आते हैं, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, और इस मंदिर से जुड़ी और भी कई जानकारियों को हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मंदिर में आते हैं, और मंदिर में आने के बाद सबसे पहले हम बाहर का नजारा दिखाएंगे आपको, मंदिर के परिसर का। आप देखेंगे यहाँ से सामने में, तो हमारे सामने एक मार्ग है जो कि हाजीपुर से लालगंज आती है, और उसी में बीच में हरौली चौक के आसपास ये मंदिर स्थित है इस्माइलपुर में। इधर हम सीधे फिर मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं और मंदिर को आपको दिखाते हैं, और यहीं के पुजारी से हम बात करेंगे, और यहीं से जानेंगे कि आखिर मंदिर इतना फेमस क्यों है, मंदिर को इतना क्यों जाना जाता है, क्यों लोग यहाँ आते हैं मन्नत मांगने, और क्यों यहाँ पे आते हैं लोग मन्नत उतारने, क्या उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे मंदिर का गढ़ है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमराएं लगाई गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पहले तो आप, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ केशव पांडे, इसी गांव में घर है। बूढ़ी माई ये मंदिर काफी दूर दूर तक प्रचलित है, आखिर क्यों? ये मंदिर में ऐसा क्या है जो ये दूर दूर तक प्रचलित है? भगवती का आगम अपार कृपा है, जो भगवती से मांगते हैं उनको भगवती पूरा करती है, इसलिए प्रचलित है। ये मंदिर कब और कैसे बना, कैसे स्थापित हुआ, इसका कोई इतिहास है? अब बहुत ही इतिहास है इसका। कुछ बताने का कोशिश करेंगे। ये मंदिर लगभग हम लोग तीसरे पीढ़ी में है, 200 वर्ष पहले यहाँ माता आए। ये लालगंज से इधर बलहा बसंता गाँव है, बंगाल से मलाह को स्वप्न दिए कि तुम हमको ले चलो, जब तक तुम्हारा शरीर शुद्ध रहे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जहाँ शरीर तुम्हारा शुद्ध वहीं हम टिक जाएंगे। वो बंगाल से नाव पर लेकर के आया यहाँ। अच्छा, नदी के किनारे? नदी के किनारे, नदी के सहारे। अच्छा, यहाँ आकर के उसका नाव रुक गया। अथक परिश्रम किया उन्होंने, 200 400 500 लोग से बड़े बड़े मोटा मोटा रस्सा बांध के खींच करके डेंगे में आगे ले जाए, लेकिन नहीं बढ़ा। तो मान लीजिए कि दो चार रोज वहां से समय लगा होगा, दो चार रोज यहाँ हो गया, तो वही स्थापना करके चले गए। कोई नहीं जानता था कि कौन देवता है। जब वो जमीन जहाँ स्थापना हुआ, वो जमीन गंडक नदी में कट के गिरने लगा, तो लोग ले आकर के यहाँ स्थापना कर दिया। पुराने जमाने में आप सुने होइएगा कि हैजा और प्लेग। हैजा आज भी है, जिसको कैदस्त हुआ तो लोग कहा कि हैजा हो गया। प्लेग का अर्थ था कि छप्पर से मूसा गिरा मर गया, तो लोग कहता था कि प्लेग है। तो हमारे खानदान के परदादा हम लोगों का यहाँ पूजा पाठ करना शुरू किए, दो चार दस कोस के अंदर उपद्रव नहीं आया, तो धीरे 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 रूप बढ़ते गया पूजा पाठ का। आप आए, आप पूजा किए, कुछ अपने लिए मांगे, आपको मिला, तो आप अपने बहन के लिए, फुआ के लिए, मौसी के लिए मांग दिए, उनको भी पूरा हो गया, इसलिए धीरे धीरे प्रचार हो गया। मतलब इसका महिमा इतना है कि मतलब लोग जो मांगते हैं उनको मिलता है? मिलता है, जो सही आत्मा से सही दिल से मांगते हैं उनको मिलता है। सर, जिसको मिल गया हो तो वो तो मन्नत उतारने के लिए भी आते होंगे? जरूर आते हैं। सर, यहाँ पे क्या क्या मेला कब लगता है, और इसका कुछ स्पेशल दिन रहता होगा यहाँ पे, जिस दिन काफी भीड़ होती होगी? हाँ, काफी सारे लोग आते होंगे। हाँ, ऐसा कुछ दिन होता है क्या? जेठ दशहरा से सावन पूर्णिमा तक प्रत्येक शुक्र सोमवार को यहाँ 25-30 हजार लोग सुबह 8 बजे से 5 बजे शाम तक रहते हैं, गुजर जाते हैं, यहाँ से पूजा पाठ करके चले जाते हैं। क्या क्या चीज भगवान को इनको चढ़ाया जाता है? इनका औरत का जो श्रृंगार है सो सब चढ़ाया जाता है, सब कुछ, सब कुछ। आप मनित मान दिए कि हमको बेटा होगा तो हम सोना के आंख चढ़ा देंगे, हम घोड़ा चढ़ा देंगे सोना के, फलना झुमका चढ़ा देंगे, टिकुली चढ़ा देंगे, हिले के आप चढ़ाते हैं। पुजारी जी ने इस मंदिर की गाथाएं के बारे में बताई कि क्यों ये मंदिर
प्रसिद्ध है और कैसे इस मंदिर की स्थापनाएं हुई और काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, ऐसा यहाँ का कहानी है। आइए हम यहाँ के कुछ भक्त लोग से भी बात करने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे क्या उनका भी मन्नत कभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मनीष वाजपेयी नाम है। घर कहाँ हुआ? घर हमारा मोतिहारी जिला पड़ेगा, सिहोर। मोतिहारी जिला, काफी दूर से यहाँ आए हैं जी। यहाँ पे पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस मंदिर के बारे में आप क्या सुने? हमको तो कुछ पता नहीं है, मैंने सुने कि पूजा पाठ होता है, इसलिए हम लोग आए हैं देखने के लिए। पूजा पाठ तो वैसे करने के लिए हर जगह होता है, यहाँ आने का कुछ विशेष कारण होगा? विशेष? अरे मेरी बच्ची का तो अथी था, वह बालू चढ़ाना था, उसी की क्रिया में आए। अच्छा, मुंडन के लिए? यानी मानता माने हुए? मानता माने, यानी कि आपका मन्नत पूरा हुआ है क्या? जी। देख लीजिए, हमारे साथ एक भक्त अभी भी जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि इनका मन्नत पूरा हुआ है, मोतिहारी से चल करके आए हैं। ये कहाँ? वैशाली जिला है, मोतिहारी। लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर आपका घर होगा? 100 किलोमीटर से ऊपर। एवरेज 100 किलोमीटर से चल करके आए हैं और यहाँ पे अपने बच्चे का मुंडन करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे बाल चढ़ाया जाता है, मुंडन विशेष स्थल है ये। तो आप यहाँ अगर आए हैं तो अगर इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं या फिर आपका भी मन्नत पूरा हुआ है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या फिर अगर नहीं आए हैं तो एक बार, हम चाहेंगे कि भारत अपना हमेशा से आस्था प्रधान रहा है तो आप भी यहाँ आए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। जय माता दी।